सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने जा रहे हैं क्यूट से गर्ल के ड्राइंग को, और वो भी कलर पेंसिल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेंसिल्स से रफ स्केच को ड्रॉ कर लिया है, और उसको अच्छे से आप स्टेप बाय रफली आप ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद मैं इरेजर की हेल्प से उसके अपने रफ स्केच को हल्का सा इरेज कर लूँगी, ताकि विजिबल ना हो जब मैं कलर्स करूँ। इसे कलर करने के लिए मैं इन सारे कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले बेस के लिए मैंने लाइट शेड का स्किन टोन यूज़ किया है, और उसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे इवनली। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर का यूज़ करके थोड़े बहुत शेडिंग किए हैं अपने फेस पर। फिर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करके हम फाइनल शेडिंग कर देंगे। आइज़ को मैं यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर कर रही हूँ, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कलर्स करने के बाद मैं यहाँ पे आईलैशेस को भी करूँगी, और उसके बाद हाइलाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे वाइटनर का यूज़ किया है। आइज़ को कलर करने के बाद मैं यहाँ पे अपने लिप्स को पिंक कलर का कलर करूँगी, और उसके बाद मैं अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी स्किन कलर का कलर करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके क्लॉथ को भी पिंक कलर से ही करने की ट्राई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बेस कलर को लाइट पिंक रखा है, और उसके बाद मैं धीरे धीरे डार्क पिंक कलर का यूज़ करते हुए यहाँ पे डिटेलिंग कर रही हूँ। डिटेलिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ ताकि ये जो मेरा क्लॉथ है वो नेट की तरह लगे। डिटेलिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत शेडिंग करने के बाद उसके बाद मैं आईब्रोज को कम्प्लीट करूँगी। आईब्रोज कम्प्लीट हो जाने के बाद हेयर पे आते हैं हम। हेयर को कलर करने के लिए मैं यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैं ब्राउन और ब्लैक का भी यूज़ कर रही हूँ, जिसको लाइट और शेड मैं इन तीनों कलर की हेल्प से ही दिखाऊंगी। जो ये ड्राइंग मैंने बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे हैं वो हेयर्स ही हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे एक स्ट्रोक लगाकर अपनी ड्राइंग को कम्प्लीट करूँगी, जिसको करने के लिए आपको ढेर सारे पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे मेरी ड्राइंग कंप्लीट होती है, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं।